ऐतिहासिक जगह आए हैं मुंबई में। ये वेस्टर्न सबर्ब्स अंधेरी में है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत लोग सरप्राइज होंगे जब मैं इस जगह की लोकेशन बताऊंगा। ये है जोगेश्वरी केव्स, जोगेश्वरी गुफा, और ये है इसका एंट्रेंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड ये साइट है। ये गुफाएं शहर के बीचों बीच बसी हुई है, दोनों तरफ यहाँ पे बस्तियाँ हैं, तो इसलिए किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक ऐसी ऐतिहासिक जगह मौजूद है। बट इन गुफाओं का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है और ये है इनका एंट्रेंस, ये है प्रवेश द्वार। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी की बनी हुई हैं, 5वीं से 6वीं शताब्दी की गुफाएं हैं ये, और ये लगभग अजंता और अलोरा केव्स के टाइम की ही है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है। ये देखिए बाहर से इस मंदिर का, केव्स का प्रांगण कैसा दिखता होगा। A lot of effort would have gone into this. पिलर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत वेल प्रिजर्व लग रहे हैं बाहर के पिलर्स। और यहाँ मुझे एक खिड़की दिखाई दी है जिसके ऊपर कुछ कार्विंग्स दिख रही हैं जो वेदर के कारण ख़राब हो चुकी हैं। आप देखिए दीवारें पूरी तरह खोखली हो चुकी हैं कई जगह पे, शायद ये पानी का प्रभाव हो, पर अभी भी कहीं कहीं हमें 1500 साल पुरानी कलाकृतियाँ या उनके अवशेष ज़रूर दिख रहे हैं। ये द्वार के ऊपर का तोरण अगर आपको दिखेगा इस वीडियो में, अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो, काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है यहाँ पे भी। बहुत भव्य प्रांगण रहा होगा ये मंदिर का। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ ये है कि ये सेंट्रल श्राइन जो है, गर्भ मंडप जो है, वो जोगेश्वरी देवी के लिए था। बहुत कम लोगों को ये ज्ञात होगा कि जोगेश्वरी देवी, उनको एकांशा के नाम से भी जाना जाता था, और वो कृष्ण जी की बहन जो यशोदा की डॉटर थी, जिनसे एक्सचेंज किया गया था उनको, उनका एक नाम है। और ये पहली बार मैंने कोई मंदिर देखा है योग माया या एकांशा देवी के लिए समर्पित। ये देखिए ये है मंदिर का मेन प्रांगण। यहाँ बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत सारे पिलर्स, लेकिन अंधेरे के कारण बहुत अच्छे से हम नहीं देख पाएंगे। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत पुराना है, पिलर्स और छत से ही पता चलता है कि बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर जो देवी की मूर्ति विराजमान है वो शायद बाद में स्थापित की गई हो। ये है माँ जोगेश्वरी का मंदिर। यहाँ मुझे आसपास बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ जगह जगह छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ये है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, और इसके भी आप पिलर्स जो स्तंभ हैं आप देख सकते हैं अब काफ़ी पुराने हैं, पर इनको, इस मंदिर को थोड़ा संभाल के रखा गया है। ये है नंदी बाबा। और ये है भगवान शंकर का शिवलिंग, उनका प्रतिबिंब। ओम नमः शिवाय। ये है
गुफाओं का पुराना एंट्रेंस, मुझे लगता है इस तरफ से गुफाओं की ओपनिंग थी। हम जिस तरफ से आए हैं वो शायद पीछे का रास्ता है, शायद इस तरफ से गुफा का एंट्रेंस था। सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे दूर तक जाती हुई, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक सुंदर द्वार भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कार्विंग्स की गई थी, जो अब अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉयड है। आपको दोनों तरफ छोटे द्वारपाल भी दिखेंगे। सामने हमें दिखाई दे रहा है माँ जोगेश्वरी का मंदिर। इस तरफ से प्रवेश करें तो हमें पहले ये पिलर्स दिखाई देते हैं, और ये बहुत ऊंची कार्व्ड द्वारपाल की मूर्ति, इसके ऊपर तोरण में भी काफ़ी कार्विंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको संरक्षण की। बहुत सुंदर कार्विंग्स, 1500 साल पुरानी ये जगह है चुकेश्वरी के अंधेरे में। ये गुफाएं काफ़ी बड़ी हैं, और यहाँ पे हमें एक और कार्विंग दिखाई दी गणपति की, जहाँ लोग अभी भी आराधना करने आते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ कुछ मंदिर जो हैं वो अभी भी जागृत हैं, कुछ शाइन्स अभी भी लोग विजिट कर रहे हैं। और यहाँ सामने ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है दत्ता मंदिर, बहुत मुश्किल है ये इमेजिन करना कि मुंबई में अंधेरी सबक जो कि इतना भरा हुआ इलाका है उसमें एक ऐसी जगह होगी। और यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सिटी के दर्शन हो जाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतें। मुंबई में ऐसी गुफाएं काफ़ी जगह पे हैं, और हमने एक पहले वीडियो में मंडपेश्वर केव्स भी कवर किए थे, जो लगभग इसी शताब्दी के हैं, इसी टाइम पीरियड के हैं, और बोरीवली में स्थित हैं।